इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक तो बजट खर्च नहीं हो रहा है। अगर बजट खर्च नहीं कर पा रही सरकार तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए, एक विषय अलग है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, चाहे वो आपके जिला अस्पताल हो, पीएससी सीएससी हो या मेडिकल कॉलेज हो। ये सरकार जानबूझ करके सरकारी व्यवस्थाओं को इसलिए खत्म कर रही है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में इलाज कराएं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कई जगह से ये सूचनाएं आई हैं कि सरकार सीधे सीधे मदद करना चाहती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। और सच्चाई ये भी है कि जो सरकार दावा ये कर रही थी कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज को भी प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी है। जो सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट में बेच रही हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में बेच रहे हो, जिला अस्पतालों में दवाई से लेकर के इलाज न मिल पा रहा हो, और लखनऊ जैसी जगह पर जहां पर इन्हीं के पार्टी का पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर के आया था, पीजीआई जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में उसको इलाज नहीं मिला और बेटे की जान चली गई। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, हर अस्पताल में इनकी सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मरीजों को ले जाते हैं। और आपको भी जानकारी इस बात की होगी कि कहीं भी इमरजेंसी में एडमिट नहीं मिल रहा, एडमिशन नहीं मिल रहा है। और मुझे याद है कि